हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा आज हम शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, खालसा वॉज फाउंडेड बाय। खालसा किसने फाउंड करा था? जो खालसा है, खालसा फाउंड करा था गुरु गोबिंद सिंह जी ने, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। कब फाउंड करा था? 1699 में। कब? 1699 में 13th ऑफ अप्रैल को, बैसाखी वाले दिन जो खालसा था उसको फाउंड किया करा था गुरु गोबिंद सिंह जी ने। नेक्स्ट है, विच वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक देव जी? गुरु नानक देव जी की बर्थ प्लेस कौन सी है? तो वो है तलवंडी साबो। कब बर्थ हुआ था गुरु नानक देव जी का? 1469 को। अब ये जो तलवंडी है, इसको ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है और ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है, विच गवर्नर जनरल हैड एंटरटेन्ड रंजीत सिंह विद ग्रेट ऑनर एट रोपर्ट? तो कौन से गवर्नर जनरल थे? गवर्नर जनरल थे विलियम बैंटिक। इन्होंने रंजीत सिंह के साथ एक ट्रीटी साइन करी थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ रोपर्ट। कब साइन करी थी? 1831 में। नेक्स्ट है, विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? सबसे पहले बात आती है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी क्या थी। ये ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या होता था कि अगर किसी किंग का, जो भी इंडियन किंग है, उसका अगर कोई लीगल हायर नहीं है, लीगल हायर मीन्स कि अगर उसका कोई बेटा नहीं है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी किंगडम है, जो भी उसका है राज्य, वो सारा का सारा ब्रिटिशर्स के पास चला जाता था। सारी उस किंग की प्रॉपर्टी ब्रिटिशर्स के पास चली जाती थी अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अगर उसका अपना बेटा है फिर तो ठीक है, अगर उसका अपना बेटा नहीं है, अडॉप्टेड भी है, तब भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू उसकी प्रॉपर्टी ब्रिटिशर्स के पास चली जाएगी। तो कौन थे गवर्नर जनरल जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी लेकर आए थे? तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान टुक सपोर्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स टू फाइट विद इंग्लिश? इंग्लिश के साथ लड़ने के लिए टीपू सुल्तान ने किसकी सपोर्ट ली थी? तो फ्रेंच की सपोर्ट ली थी। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट? बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक साइड पे थी और दूसरी साइड पे थे मीर कासिम। मीर कासिम की हेल्प कर रहे थे शुजाउद्दौला। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज फेमस एज अ कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान? टीपू सुल्तान जो थे ये मैसूर के रूलर थे और इनकी कैपिटल थी श्रीरंगपट्टम। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान डाइड फाइटिंग द इंग्लिश फोर्सेस अंडर लॉर्ड वेलेसली। अब ये जो टीपू सुल्तान थे, इनकी मौत हुई थी 4th बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मैसूर वॉर की जो 4th बैटल हुई थी उसमें टीपू सुल्तान को मार दिया गया था। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट रूलिंग इंडिया डायरेक्टली? ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर डायरेक्टली रूल करना कब शुरू किया था? आफ्टर सिपॉय म्यूटनी 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, 1857 का जो रिवोल्ट है उसी को बोला जाता है सिपॉय म्यूटनी। उसके बाद 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हुआ था और उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था वो खत्म हो गया और डायरेक्टली ब्रिटिशर्स का रूल शुरू हो गया था इंडिया में। नेक्स्ट है, हु इशूड फरमान ग्रांटिंग दीवानी ऑफ बंगाल बिहार एंड ओडिशा टू द इंग्लिश? तो ये किसने ग्रांट करी थी, ये जो फरमान जो दिया गया था, उनको ऑर्डर दिया था फ्री ट्रेड का, तो ये किसने दिया था? ये दिया था शाह आलम टू ने। बंगाल बिहार एंड उड़ीसा की जो दीवानी थी वो किसने दी थी? वो दी थी शाह आलम टू ने। कब इशू करा था ये फरमान? ये फरमान इशू हुआ था 12th ऑफ अगस्त 1765 को, राइट? नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, सिख लीडर बंदा सिंह बहादुर वॉज कैप्चर्ड एंड किल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्परर फारूक सियार। बिल्कुल सही है, बंदा सिंह बहादुर एम्परर फारूक सियार के टाइम पीरियड में उनको कैप्चर किया गया और मार दिया गया। नेक्स्ट है, मराठास फॉट विद अहमद शाह अब्दाली एट पानीपत ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्परर शाह आलम टू। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट भी यहाँ पे राइट है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2।
नेक्स्ट है असर्शन, स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज फाउंडेड बाय निजाम उल मुल्क अ वजीर ऑफ मुगल एम्परर। बिल्कुल सही है, जो हैदराबाद स्टेट है वो फाउंड करी थी निजाम उल मुल्क ने। निजाम उल मुल्क कौन थे? ये मुगल एम्परर के वजीर थे। रीजन की स्टेटमेंट क्या है? द मुगल एम्परर फ्रस्ट्रेटेड ऑल द अटेम्प्ट्स ऑफ निजाम उल मुल्क एट रिफॉर्मिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। बिल्कुल सही है, ये जो निजाम उल मुल्क थे इन्होंने अपने एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आए थे, जिसके बाद स्टेट ऑफ हैदराबाद इन्होंने फाउंड करी थी। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे राइट है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस का जो सिस्टम था ये सबसे पहले कौन से इंडियन रूलर ने एक्सेप्ट करा था? तो ये एक्सेप्ट करा था निजाम ऑफ हैदराबाद ने। सब्सिडियरी अलायंस क्या था? सब्सिडियरी अलायंस के अकॉर्डिंग जो भी इंडियन रूलर इस अलायंस को फॉलो करता था तो उसको जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स की आर्मी मिलती थी उसको, ब्रिटिशर्स के सोल्जर्स वगैरह उसको दिए जाते थे प्रोटेक्शन के लिए। और इसमें बहुत सारी कंडीशंस ब्रिटिशर्स ने लगाई थी। कंडीशंस क्या थी? कि जो भी ब्रिटिशर्स की आर्मी का खर्चा है वो सारा खर्चा इंडियन रूलर उठाएगा और इंडियन रूलर जो है वो अपनी आर्मी वहाँ पर नहीं लगा सकता। और साथ ही साथ जो ब्रिटिशर्स है उसको अपनी कोर्ट में एक ब्रिटिशर्स को भी रखना पड़ेगा और प्लस वो और किसी भी फॉरनर्स को अपनी कोर्ट में अलाउ नहीं कर सकते एक्सेप्ट ब्रिटिशर्स। तो ये थी सब्सिडियरी अलायंस की पॉलिसी, राइट। नेक्स्ट है, द स्टेट ऑफ झांसी वॉज मेड अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया थ्रू। अब ये जो झांसी थी ये ब्रिटिश एम्पायर ने अपने कब्जे में ले ली थी, किस पॉलिसी के थ्रू कब्जे में ली थी? तो ये ली थी पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, क्योंकि जो ये जो रानी झांसी की रानी थी रानी लक्ष्मीबाई, इनका कोई अपना बेटा नहीं था, अडॉप्टेड सन था, जिसके लिए इनका जो एम्पायर था, जो इनका किंगडम था, एम्पायर नहीं बोलेंगे, जो किंगडम था उसको ब्रिटिशर्स ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू अपने कब्जे में ले लिया था। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द कॉलोनियल रूल ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए फीचर ऑफ सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। यही सब्सिडरी अलायंस जो मैं अभी बताकर हटी हूँ, सेम वही क्वेश्चन है। सब्सिडरी ब्रिटिश आर्मी हैज टू बी मेंटेन वाज टू बी मेंटेन्ड इन इंडियन स्टेट। बिल्कुल सही है फर्स्ट स्टेटमेंट, सब्सिडरी अलायंस के अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश आर्मी है वो उस किंग को दी जाएगी जो भी इस अलायंस के साथ फॉलो कर रहा है। तो सेकंड है, द डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द सब्सिडरी ब्रिटिश आर्मी वॉज द ड्यूटी ऑफ इंडियन स्टेट। और जितना भी आर्मी का खर्चा होगा वो इंडियन स्टेट उसको देगी, ब्रिटिशर्स को देगी। आर्मी का खर्चा ब्रिटिशर्स नहीं उठाएंगे, आर्मी ब्रिटिशर्स की होगी बट उसका खर्चा उठाएगा रूलर। थर्ड है, इंडियन स्टेट हैड टू कैप्ट अ ब्रिटिश रेजिडेंट इन हर कैपिटल। उनको अपनी कोर्ट में ब्रिटिश रेजिडेंट भी रखना पड़ेगा एक। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंडियन सोल्जर्स कुड बी यूज्ड बाय द कंपनी कमांडर्स, ये वाली स्टेटमेंट जो रॉन्ग है। इंडियन सोल्जर्स वो अपने साथ नहीं रख सकते, जो उनकी अपनी आर्मी है, जो अपने सोल्जर्स है वो उनको नहीं रख सकते, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स की आर्मी ही होगी उस रूलर के पास उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। नेक्स्ट है, द फाउंडर ऑफ द ऑटोनॉमस किंगडम ऑफ अवध वॉज। फाउंडर है सदत खान बुरहान उल मुल्क। कब फाउंड करा था? 1724 में। और ये जो अवध का किंगडम था ये इन्होंने मुगलों से आजाद करवाया था। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट मीर कासिम एंड शुजाउदौला इन डिक्लेयरिंग वॉर अपॉन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड वॉज लेटर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश एट द बैटल ऑफ बक्सर। तो कौन थे? अब देखो बैटल ऑफ बक्सर की बात हो रही है। बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी? 1764 में हुई थी। एक साइड थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे साइड मीर कासिम उसकी आर्मी थी और इसकी हेल्प कर रहे थे शुजाउदौला, और इसके अलावा मीर कासिम की हेल्प कर रहे थे शाह आलम टू। नेक्स्ट है, द मेन कॉज ऑफ द कंफ्लिक्ट बिटवीन द नवाब सिराजुद्दौला एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज। इन दोनों के बीच में, जो नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन दोनों के बीच में मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या था? इनका मेन कॉन्फ्लिक्ट था ब्रिटिश मिसयूज्ड द दस्तक। जो ड्यूटी फ्री इनको दिया गया था, ड्यूटी फ्री ट्रेड दिया गया था, तो उसका ये मिसयूज कर रहे थे,
राइट right. अब ये क्या, अब इसकी क्या स्टोरी है, 1717 में फारूक सियार जो थे उन्होंने एक फरमान इशू करा था जिसमें उन्होंने ड्यूटी फ्री ट्रेड ब्रिटिशर्स के लिए फ्री कर दिया था, मतलब ट्रेड जो भी होगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, दस्तक मतलब कि कोई भी टैक्स ट्रेड पे नहीं लगाया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, 1757 में सिराजुद्दौला ने वो जो ड्यूटी फ्री ट्रेड था उस पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया था क्योंकि ब्रिटिशर्स उसको मिसयूज कर रहे थे, तो इसी वजह से इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज कंक्लूडेड बिटवीन सिक्स एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड एलनबोरो। अब देखो, जो ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी ये सिख और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, बिल्कुल सही है, बट उस टाइम पे लॉर्ड एलनबोरो नहीं थे। उस टाइम पे कौन था, उस टाइम पे सर हेनरी हार्डिंज थे। किसके टाइम पीरियड पे हुई थी ये ट्रीटी, ये हुई थी सर हेनरी हार्डिंज के टाइम पे, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। सेकेंड है, लॉर्ड डलहौजी मेड द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब टू द ब्रिटिश डोमिनियन। तो सेकेंड वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, टू ओनली। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।